गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ माय थर्ड ब्लॉग और आज हम जाएंगे दुर्गापुर और आपको दिखाएंगे एनएसएचएम कैसा है, क्या क्या है वहाँ पर और आपको किस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, हम सब बताएंगे आपको। और आपको अगर कुछ पूछना हो प्रोसेस क्या है एडमिशन का कौन सा, तो मैं वो भी आप कमेंट करिए, मैं बताऊँगी आप सबको। तो चलिए सर, और कुछ जानने से पहले आप पहले कॉलेज देख कर आठ पीसा चले गिरे। ये हम लोगों का लाइब्रेरी है। किचन है होटल मैनेजमेंट वाले लोगों का। ये आगे बीटेक बिल्डिंग है, यहाँ पे बीटेक के सारे कोर्सेस होते हैं। ये एडमिन ब्लॉक है और होटल मैनेजमेंट के क्लासेस भी इधर ही होते हैं। एडमिन ब्लॉक है जहाँ एडमिशन वगैरह होते हैं। यहाँ पापा मेरा वेट कर रहे थे और बैठे बैठे सो गए लगता है। और ये हम लोगों का ये कैंटीन है हम लोगों का। पहले हम हॉस्टल में रहते थे। आई मस्ट प्रेफर, अगर आप फ्रेशर हो तो आप हॉस्टल लो, क्योंकि कैंटीन में बहुत अच्छे खाने मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लॉन्ड्री है, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उन्हें लॉन्ड्री फैसिलिटीज भी मिलती है। ये हॉस्टल का बाहर का एरिया है।
पे क्लासेस बंद हैं एंड तो मैं क्लासेस के अंदर जाकर आपको दिखा नहीं सकती कि कैसे रूम्स हैं और क्या क्या है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मिसिंग है वीडियो में, क्योंकि वो सब एरिया भी जाना अलाउ नहीं था तो वो सब मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और कुछ पार्ट मैंने लास्ट का हॉस्टल का भी डाला, कॉलेज वाले हॉस्टल का, तो उसमें भी रूम्स अभी सारे लॉक थे तो मैंने हॉस्टल थोड़ा बहुत कैप्चर कर पाई हूँ। तो आप सब देखिए, बस प्रेफर किया आप हॉस्टल हो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ है। जैसे आपने वीडियोज़ में देखा वहाँ पे हर कुछ है, आपको एक पर्सनल कबर्ड मिलेगा, चेयर वगैरह सब कुछ, खाने के लिए कैंटीन है जहाँ चार टाइम खाने मिलते हैं और ऑलमोस्ट ऑल द डे नॉनवेज मिलते ही हैं, तो काफ़ी अच्छा है हॉस्टल। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ रही हूँ, बहुत अच्छा है। तो आप जाके एक बार हॉस्टल भी चेक कर सकते हो।